नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के ऑडियो प्रोडक्शन के कोर्स के साथ मैं हूं अली खान तरीन। इस लेसन में हम कोल्ड वेव की फाइल्स को ब्राउज करना यानी कि ओपन क्लोज और एक फाइल से दूसरी फाइल में मूव अराउंड करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने गोल्ड वेव को ओपन किया और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ। और अब दो दफा शिफ्ट टैप और अब मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जिस फोल्डर में मेरी ऑडियो फाइल्स पड़ी हैं। यहाँ पर मैं SKS promos के फोल्डर में आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो इनमें से हम किसी एक फाइल को ब्राउज कर लेंगे। एंटर करते ही फाइल ब्राउज होना शुरू हो जाएगी और ये 100% हो गई। इसी के साथ हम एक और फाइल भी ब्राउज कर लेते हैं। प्रोसीजर वही होगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा और अब दो दफा शिफ्ट टैप और अब ये मुझे मतलूबा फोल्डर में लेके चला गया है जिससे पहले जहाँ पे हमने फाइल ब्राउज की थी। अब हम दूसरा वाला प्रोमो ब्राउज कर लेते हैं, इस पे भी मैं प्रेस करूँगा एंटर। अब हमारे पास गोल्ड वेव में दो फाइल्स आ गई हैं। इस फाइल को प्ले करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हम किस विंडो में किस फाइल पे खड़े हुए हैं। फाइल का टाइटल जानने के लिए हम प्रेस करेंगे इंसर्ट टैब। आप सुन रहे हैं, इस प्रोमो का नाम है, इसको हम प्ले करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे F4। और ये इसी तरीके से रिपीट पे चल सकती है जब तक इसको पॉज ना किया जाए। पॉज करने का तरीका है F7। F7 मैंने प्रेस किया, इससे ये फाइल पॉज हो गई। इसी तरह अगर मैं इस फाइल को रिज्यूम करना चाहता हूँ तो अगेन मैं F7 प्रेस करूँगा। अगर हम एक फाइल से दूसरी फाइल में मूव करना चाहते हैं यानी कि एक ओपन विंडो से दूसरी विंडो में मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। हम दूसरी फाइल में आ गए जिसका टाइटल है अली तरीन प्रोमो। इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। प्ले करने के लिए हम प्रेस करेंगे F4। F7 से पॉज होगी। इसी तरह अगर हम फाइल को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए F8 प्रेस करेंगे और ये फाइल इस तरह स्टॉप हो गई। अगर हम गोल्ड वेव में कोई सी एक फाइल क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F4।
तो अब हमने दो फाइलों में से एक फाइल को क्लोज कर दिया, तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग फाइल कौन सी रह गई है। तो हमने दी अली तरीन प्रोमो को जो है वो क्लोज कर दिया, और अब हमारे पास एक ही फाइल इस गोल्ड वेव की विंडोज़ में है जो कि है आप सुन रहे हैं प्रोमो। अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी फाइल को ब्राउज़ करने से पहले उसका एक मरतबा प्रीव्यू ले लें, तो वो भी हमें गोल्ड वेव ऑप्शन देता है। उसके लिए अगेन हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, दो दफा। अब हम इस फोल्डर में आ गए जहाँ पे ये प्रोमोज रखे हुए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइल को ब्राउज तो करूँ, लेकिन क्या वो मेरी मतलूबा फाइल है या नहीं, उसके लिए मैं फाइल ब्राउज करने से पहले उसका प्रीव्यू लूँगा। ठीक है, डोंट बी इंस्पायर प्रोमो पे है, और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F4। इसी तरह मुझे किसी और फाइल पे जाना है, तो मैं उस फाइल पे भी F4 प्रेस करूँगा तो उसका प्रीव्यू आ जाएगा, और F8 से फाइल स्टॉप हो जाएगी। फाइल ब्राउज करते हुए हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे मूव करें अप एंड डाउन एरो की मदद से, तो जैसे जैसे जिस जिस फाइल पे हम जाते जाएंगे उस फाइल का प्रीव्यू आता जाएगा। परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसी तरह हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे मूव अराउंड करके उसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का लेसन अपने अख्तिताम पे पहुंचा। इस लेसन में हमने सीखा कि गोल्ड वेव में फाइल कैसे ब्राउज करते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल पे कैसे मूव करते हैं, और फाइल का प्रीव्यू कैसे लेते हैं, फाइल को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए लर्निंग का बाइस होगा। अगले लेसन में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।